क्या बना रही हो? यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डाला जा रहा है। बहुत काम करना पड़ता है। तो आज का वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मजेदार स्टोरी, जिसे सुनकर आप भी कहोगे मजा आया। तो ये स्टोरी है 15 फरवरी का, जब मैं मेरे दोस्त के साथ उनके कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज तो पहुंच गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं वहां किसी को जानता भी नहीं था। लेकिन मैं ज्यादा शर्मीला नहीं हूं, इसलिए मैं सबको काम करते देख मेरे को भी काम करने का मन लग जाता है और मैं प्याज काटने के लिए बैठ जाता हूं। तो सब लोग काम से भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग काम करने आ रहे हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग काम करेंगे प्याज काटने का। पंद्रह मिनट हो चुका है, कुछ कहना चाहते हो? अब क्या बताएं भाई साहब, आँख से आंसू तो नहीं आ रहा है, पता नहीं प्याज मीठा है सर। लेकिन एक्टिंग कर रही है। नहीं, एक्टिंग करने में हम माहिर हैं। पर खाना बनाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि देख सकते हैं। अभी क्या बना रही हो? छोले बन रहे हैं, देखो भाई साहब। मसाला तला जा रहा है, उसके बाद इसमें डलेगा छोले। देख सकते हैं, काट वाट के रेडी भी कर लिए। और मेरे को प्याज काटते देखकर मेरे को पूड़ी बनाने का काम सौंप दिया जाता है, और मैं किसी को यहाँ पर जानता भी नहीं और यहाँ पर पूड़ी बनाने के लिए लग जाता हूँ। अभी धुआं की वजह से हम लोग का चेहरा पूरा काला पड़ गया था। हम लोग मुंह धोने गए थे, इन तो पर मुंह धोने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही दिखते हैं, तो क्या ही फायदा मुंह धोने का भी। बस यही हाल है। और सबसे धीरे धीरे मेरा फ्रेंडशिप भी होने लग जाता है, और पहले से मेरे को ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता है, और मैं मस्ती करना भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग पूरी बनाने का काम कर रहे हैं, और थोड़े देर बाद में कुछ और बनाएंगे। बहुत काम करना पड़ता है, पूरा सजाया भी मैं हूँ, खाना भी मैं ही बनाया हूँ, और पूरी भी मैं ही बना रहा हूँ। 4 बजे से आया हूँ, जब सूर्य अभी नहीं निकला था तब से मैं निकल के यहाँ पर आया। देख रहे हो कितना झूठ बोल रहा, फेंक रहा है ये सब लोग मेहनत किए हैं और ये क्रेडिट अपना ले रहा है। अच्छा, क्रेडिट मेरा ही होना चाहिए भाई, देखो पूरी बना रहा हूँ। और ये लोग तो बस अभी मस्ती करते करते मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया था कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, आज है फाइनल ईयर वालों की विदाई पार्टी, जिसे इंग्लिश में फेयरवेल पार्टी भी बोला जाता है। तो चलिए अब उसमें ध्यान देते हैं। यहाँ पर स्वागत के लिए गुलगस्ता भी बनाया गया है, जो की देख सकते हैं एकदम मस्त, और हरियाली वाला गुलगस्ता बना दिया गया है, ताकि और यहाँ पर मैम लोग आ गए हैं। इधर मैम। और यहाँ पर मेरे को फिर से एक और नया काम मिल जाता है, जो कि है बर्तन साफ करने का काम। तो यहाँ पर अपना सर जी निकाल रहे हैं छोले, जो कि सर जी ही बनाए हैं बहुत मेहनत करके। और इधर बन रहा है अपना टमाटर, ये अपना पूड़ी, और ये टमाटर का चटनी, और ये छोले, और ये है वेज बिरयानी, और ये सलाद, और ये प्लेट, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डाला जा रहा है, और इधर नाश्ता, और ये भाई सब कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं। तो ये है अपना मिठाई। अब फिर से एक और प्रॉब्लम हो जाता है यार, नाश्ता प्लेट ही खत्म हो जाता है, फिर क्या, हम लोग लेने के लिए निकल जाते हैं। ये मिल चुका है, जो कि देख सकते हैं दो लिए हैं, क्योंकि दो का जरूरत है। तो चलिए अब खाना भी, तो चलिए अब खाना वाना खाते हैं, और दीपेश भाई और मैं सब लोग साथ में मिलके खाएंगे। खाना खा के तो मजा आ गया, लेकिन अब उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जितने भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग डांस करने वाले हैं, और सबसे पहला डांस बहुत ही खतरनाक होने वाला है। Let's go.
मैं डांस देखकर मजा ले रहा होता हूँ, तभी मेरा नजर इन भाई साहब के ऊपर पड़ता है जो कि कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। जी अब यहाँ से निकलने वाला है तो कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मोमेंट का एंजॉय कीजिए। मजा कितना आया भाई ये बताइए। बहुत मजा, बहुत मजा आया ना, मजा आया कि पूछो मत, नाचने गाने में बाकी इधर कोई रहे मत है, नाचने में फुल मजा आया, फुल मजा आया ना। इनको जाने का मन नहीं कर रहा है कॉलेज से, पर इनको जाना पड़ रहा है मजबूरी में बेचारे को। आज सच बताऊं मेरे को बहुत मजा आया और इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलने वाला। तो चलिए कॉफी पीने चलते हैं। में लग रहे हैं सर जी पूरा दिमाग खराब हो गया इनका, आज में पूरा दिन भर यही खाना बना रहे थे दिन भर तो ये हमारे सर जी, तो चलिए चलते हैं। कहाँ का है? मनाली का चार टिकट सच में भाई फुल एकदम, और इसमें नाम मेरे को लिखना है जिसको चाहो उसको ले जा सकता हूँ। सच में ये भाई ऑर्डर किए हैं कोल्ड कॉफी और ये मेरा 35 रुपए का चूना लगाने में लगा हुआ है। 10 रुपए का है भाई, एक और दिलाने भाई। नहीं यार तू कुल मिला के ये मेरा चूना लगाएगा और मेरे को पैसा देना पड़ेगा, क्या ही कर सकता हूँ। ये है अपना हॉट कॉफी और यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं और नाइट भी हो गया देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए पेट्रोल वेट्रोल डलवाते हैं। अब तो आ रहा सब आ रही बारात।